प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया अस्पताल स्टाफ पर पैसे मांगने का आरोप। जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत हो जाने के कारण परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल स्टाफ द्वारा उनसे पैसा मांगा जा रहा था। वहीं कहा गया था कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे इलाज नहीं होगा। वहीं परिजनों द्वारा 2000 देने के बाद भी प्रसूता का इलाज ठीक से नहीं हुआ, जिसके कारण उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। वहीं शहर कोतवाली TI ने मौके पर पहुंचकर उनको शांत कराया और अपनी शिकायत दर्ज कराने को कहा। आपको बता दें कि अस्पताल में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं प्रशासन जांच की कहकर मामले को दबा देता है। कागज ले लो, भर्ती करी पर मोड़ा कागज लेकर भेज दिया अस्पताल में। कागज बनवा कर लाओ, खून पेशाब कोई इनका सब कोई ये कागज बनवा चल गया। उन्होंने कछु नहीं करियो, पर पैसा मांगा एक बार बुला के 3000 रुपया। 3000 मनी भाई 2000 ले ली नमटा दा बन गई। अपर तो नमटा दे, अपर सब 4 घंटा में पसंद नहीं होवे, खत्म हो गई। खत्म हो गई। कब एडमिट की जाता? नाक मोर पानी आ गयो, मुंडा मोर पर पानी आ गया। जब कई कब भोपाल ले जाओ, दिल्ली ले जाओ। कब एडमिट कब किया था? भर्ती कब किया था? दो बजे ढाई बजे करे हमने। वहाँ मैंने कहा गई थी उन्हें डिलीवरी वाले ने 12 बजे भर्ती कर रहे थे। कुमराज आई थी पहले, कुमराज के ने कही तुम गुना चलो। गुना आई कहा तो भर्ती कर रही। भर्ती करके मैंने मांगे साहब कही 3000 रुपया दे। 3000 रुपया कही भैया नहीं, 3000 रुपये 2000 रुपये दे देंगे। 2000 नहीं जाए तो उन्हें देखभाल नहीं करी साहब। और फिर अंदर जा गई, हमें अंदर नहीं जान दे तो खत्म हो गई मोमर। खून न कर यहाँ से कहे कि साहब इसको मोबाइल ले जाओ। ये हमारे दमान है, उनके 3 लड़की है साहब, छोटी छोटी सी मयूर आदमी है साहब। ये बताओ।